हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया है, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो। किसी भी तरीके से कोई भी लेक्चर्स को अटेंड करने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती होगी। जैसे कि बच्चों आप लोगों को इन्फॉर्म है, हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पर क्लास 6, क्लास 7, 8, 9, 10 सभी की साइंस के लेक्चर्स और 9, 10 के मैथमेटिक्स के लेक्चर आपको प्रोवाइड है इस चैनल है। तो आप लोग क्लास 7 में हो तो आप लोगों के भी साइंस सब्जेक्ट के लेक्चर इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बस करना क्या है, आपको किसी भी लेक्चर को सिक्वेंस से देखना है, बढ़िया मन से देखना है और अच्छे से देखना है। ठीक है बच्चों? बच्चों जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को इन्फॉर्म है, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था, जैसे कि आपको इन्फॉर्म है, पेज नंबर 190 ब्लड सर्कुलेशन के बारे में आपको इन्फॉर्म किया था और उसमें हार्ट के बारे में पिछले 2-3 लेक्चर्स में मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हार्ट बीट एंड पल्स, और इसके लिए आप लोग पेज नंबर 196 ओपन करिएगा। पेज नंबर 196, एक्चुअली में पेज नंबर 196 पर हार्ट बीट एंड पल्स ये टॉपिक मैंने आपको लिख रखा है। और इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने कभी डॉक्टर के पास गए होंगे। जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, आपके हाथ जो लेता है और हाथ में जो नसें आपको ग्रीन कलर की दिखाई देती है, इस पर हाथ ऐसे रखता है और हमारी जो नब्ज है, हमारी जो नसें हैं, उस ऐसे हाथ रखता है और वो कुछ अब क्या करता है यही मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से वो हाथ रखता है, या आपने देखा होगा उसके गले में एक लीड की तरह, जो हम गाना वगैरह सुनते हैं, इस तरीके से एक वायर सा रखा हुआ रहता है, उसको अपने कान पे लगाता है और हमारी हार्ट के लेफ्ट साइड लगाता है। देखा होगा ना, कभी ना कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे या किसी को देखा होगा। तो करता क्या है डॉक्टर, डॉक्टर हमारी जो हार्ट बीट है, जो हमारी हृदय की धड़कन है, इसको मीटर करने का काम करता है, हमारी पल्स को मीटर करता है, हमारी स्पंदन दर को मीटर करता है। क्यों सर, ये क्या है? तो हमारा जो बॉडी में हार्ट फ्लो हो रहा है, वो फ्लो होते समय हमारे शरीर में, आप कभी गौर करें, जब आप भाग कर आते हो, बहुत दौड़ लगा के आ रहे हो, अचानक आप आपके हार्ट के पास में सुनोगे तो अजीब सी लपदप की आवाज आपको सुनाई देगी। ये क्या है, हार्ट बीट ही तो है, तो उसी को समझते हैं। तो पेज नंबर 196, द वॉल्स ऑफ द हार्ट चैम्बर्स आर मेड ऑफ इनवॉल्यूमेंट्री मसल्स, दीज मसल्स कीप ऑन वर्किंग ऑन देयर ओन एंड वी हैव नो कंट्रोल ओवर देम। द हार्ट मसल एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ। द राइजिंग कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय एक्सपेंशन द हार्ट मसल्स कॉन्स्टिट्यूट ए हार्ट बीट। जैसे कि आप लोगों को मैंने लेक्चर से बता रखा है, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं और बीच में वॉल्स भी होते हैं। जो इनवॉल्यूमेंट्री मसल्स, जिसका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, आपको पता है हार्ट बीट हमारे अंदर में नहीं आती है, ये इसमें ब्लड फ्लो होता है और ब्लड फ्लो होने के कारण जो हमारे मसल्स है वो एक्सपेंड एंड रिलैक्स होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटली हमारे जब तक हम जीवित हैं हमारे ये मसल्स एक्सपेंड एंड रिलैक्स चलता रहता है। द राइदमिक कॉन्ट्रैक्शन फ्लो एक्सप्रेशन दैट्स ऑफ हार्ट मसल्स कंस्टिट्यूट ए हार्ट बीट, और इसे हम हार्ट बीट कहते हैं। इन ए चाइल्ड द हार्ट बीट फ्रॉम 90 to 100 टाइम्स ए मिनट। बच्चों में जो हार्ट बीट होते, छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं, नवजात बच्चे, बेबी होते हैं, उनमें एक मिनट में 90 से 100 टाइम्स हार्ट बीट होता है। इन एन एडल्ट हार्ट बीट वेरीज फ्रॉम 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। जबकि एडल्ट, जैसे अभी हम लोग हैं, हमारी एज या हमसे बड़े एज में, एक मिनट में 70 से 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है, यानी एक मिनट में 70 से 72 टाइम्स अंडरलाइन करेगा। हार्ट बीट इंक्रीज वेन यू डू सम एक्स्ट्रा वर्क सच एज रनिंग, साइकिलिंग, वेन यू आर एक्साइटेड और अंडर स्ट्रेस। कभी कभी हमारे बॉडी का हार्ट बीट बढ़ भी जाता है, कब, जब आप दौड़ पर आ रहे हो, जब आप साइकिल चला के साइकिलिंग करके आ रहे हो, या आप कभी टेंशन में आ जाओ, या आप किसी खबर को सुनकर एक्साइटमेंट आपका बढ़ जाए, क्या होगा इसके बाद। कभी आ होता है ना, हम सीरियल्स वगैरह देखते हैं और बीच में ऐड आ जाता है, हम सोचते हैं इसके बाद क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, अचानक ऐड आ जाता है, तो हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती है, क्या होगा इसके बाद। तो इस तरह की सिचुएशन आती है तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। This can be felt on increase and thumping, throbbing on heart. Each time the heart pumps the blood out, it rushes at the arteries and produces a twitching movement of throbbing called pulses. Each heartbeat causes a pulse in the artery. The pulses can be felt at various places on the body via inner wrist, neck, temple. The number of
पल्स बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। एक मिनट में जितने बार हमारा हार्ट बीट करता है उसे हम पल्स रेट बोलते हैं। फॉर ए नॉर्मल रेस्टिंग पर्सन द पल्स रेट यूजुअलाइज बिटवीन 70 to 80 पल्स बीट पर मिनट। जो स्वस्थ व्यक्ति रहता है उसका जो पल्स रेट होता है एक मिनट में 70 to 80 पर मिनट रहता है पल्स। जनरली पल्स रेट इज मेजर्ड फीलिंग द पल्स रेट इन अ रिस्ट। सामान्यतः जो पल्स रेट मेजर किया जाता है जो हमारी हथेली कलाई होती है कलाई हथेली के नीचे कलाई रिस्ट यहाँ पर हार्ट बीट मेजर किया पल्स रेट सॉरी पल्स रेट मेजर किया जाता है। यहाँ से पल्स रेट और हमारे हार्ट से हार्ट बीट मेजर किया जाता है। पल्स रेट इंक्रीज विद फिजिकली एक्सरसाइज। आप जब फिजिकल एक्सरसाइज करोगे एक्सरसाइज वगैरह हम करते हैं तो हमारी पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज 6 to 7 फिर द हार्ट बीट एंड पल्स रेट। आप अपने हार्ट बीट को मेजर कर सकते हो। जैसे कभी हमने बताया कि डॉक्टर्स वगैरह हमारे रिस्ट पर यहाँ पर कलाई पर हाथ रखते हैं और हमारी पल्स रेट को मेजर करते हैं। ठीक है तो स्टूडेंट्स इसी के क्रम में एक आपका टॉपिक है स्टेथोस्कोप जो आपको तो अभी बता रहा था मैं डॉक्टरों के गले में लगा हुआ रहता है। स्टेथोस्कोप नेक्स्ट टॉपिक आपको होगा जो आपको पेज नंबर 197 में दिया गया है। ऐसा एक फिगर आपके बना हुआ है इस फिगर को आपने कई बार डॉक्टर के गले में देखा होगा। जैसे हम लोग गाना वायर सुनते हैं उसी तरीके से डॉक्टर के गले में ये वायर सा लटका हुआ रहता है इसे हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। द हार्ट बीट कैन आल्सो बी मेजर्ड बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। हार्ट बीट को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट अंडरलाइन करेगा हार्ट बीट को जो मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट उससे हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। स्टेथोस्कोप इज ए डिवाइस दैट एम्प्लीफाइज द साउंड ऑफ ए हार्ट बीट एंड यूज्ड टू हियर हार्ट बीट्स इन चेस्ट बाय प्लेसिंग द चेस्ट पीस ऑफ द स्टेथोस्कोप एट एप्रोप्रिएट प्लेस। हार्ट बीट में एक्चुअली में होता क्या है इस तरीके से आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। चेस्ट पीसेज होता है जिसको हम चेस्ट पर रखते हैं और उस जो ईयर पीसेज होता है वहां पर कान में धमधम की आवाज हमें सुनाई देती है। हार्ट बीट जो बीट कर रहा है उसकी आवाज हमें सुनाई देती है। स्टेथोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। स्टेथोस्कोप के 3 पार्ट होते हैं बच्चों। फर्स्ट ए चेस्ट पीस विद ए सेंसिटिव हार्ट बीट। सबसे पहले डायग्राम में देखिए चेस्ट पीस जो हम बॉडी जो हमारे हार्ट पर टच करता है। सेकेंड टू ईयर पीसेज दोनों कानों में डॉक्टर लोग लगाते हैं एंड थर्ड एक ट्यूब जॉइन द चेस्ट पीस एंड द ईयर पीसेज। और थर्ड पार्ट होता है और एक ट्यूब जो चेस्ट पीस गोल सर्कल शेप में होता है और ईयर वाइज कनेक्ट करने का होता है। यू कैन मेक स्टेथोस्कोप फॉर योर ओन। आप अपना स्टेथोस्कोप खुद भी बना सकते हैं एक्टिविटी के रूप में। आप इस एक्टिविटी को देखिएगा यूट्यूब के थ्रू आप स्टेथोस्कोप खुद भी अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको हार्ट बीट एंड पल्स के बारे में बताया और इस तरीके से ये हमारा टॉपिक जो ब्लड सर्कुलेशन इतने दिनों से चला था ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बच्चों हम एक्सक्रीटेशंस के बारे में पढ़ेंगे जहां पर इन सब चीजों की जो एक्सक्रीटेशन हमारे बॉडी का लास्ट टॉपिक है इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। बस करना क्या होता है आपको लेक्चर्स को कंटिन्यू देखना है। जो भी डाउट वगैरह हो उसको आप कमेंट बॉक्स में आप हमको इन सब चीजों को देखना है। ठीक है बच्चों इसके अलावा आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं तो आपको वहां से नोट्स भी उन्हें प्रिपेयर कर लें। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सक्रीटेशन के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।